हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं ब्लाउज के बाजू का डिज़ाइन। इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 8 इंच। आप अपने हिसाब से बाजू की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा अस्तर है फ्रेंड, और ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके बाद अस्तर को रखेंगे। मेन फैब्रिक मेरा राइट साइड है और अस्तर जो है ये रॉन्ग साइड से है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे और 1/2 इंच के दबाव पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अस्तर पे एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अस्तर पे लगाएंगे, उसके बाद इसको हम अंदर के साइड में टर्न कर देंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप सिलाई लगाइएगा तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, उसके बाद हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसको 2 फोल्ड करेंगे फ्रेंड, और इसका हम 20 सेंटर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो ये मेरा 20 सेंटर हो गया। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड। उसके लिए हम फ्यूजिंग पेपर का यूज करेंगे। अगर आपके पास फ्यूजिंग पेपर नहीं है तो आप कपड़े पे बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, 1 इंच ऊपर के साइड में निकाल लेंगे और 1 इंच नीचे के साइड में निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो डिज़ाइन बनेगा 3 इंच का बनेगा। आप अपने हिसाब से इसका डिज़ाइन बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए, ये 3 इंच का है। अब इसका हम हाफ ले लेंगे, 2.5 इंच, और इस साइड से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 1 इंच। अगर आप ज़्यादा बड़ा चाहे बॉक्स बनाना तो बना सकते हैं। अब हम इसमें इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए ऐसे शेप दे देंगे और 1 इंच इस तरह से बढ़ा के लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, और इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड, और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग के साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको अस्तर वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो आयरन की हेल्प से इसको हम चिपका लेंगे फ्रेंड इस पर। तो 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए बाकी सारे कपड़े को हम कट कर लेंगे। ये 1/2 इंच जो कपड़ा है इसमें हम इसको फोल्ड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए बाकी सारे कपड़े को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट इन कर लेंगे और ये अंदर के साइड में इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पहले इस पर आयरन कर लेंगे और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, और ऊपर के साइड से हम 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और इसका भी 20 सेंटर निकाल लेंगे, ये जो पत्ती है। अब हम इसको अच्छे से मिला के रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे ताकि मेरा डिज़ाइन इधर उधर ना हो, तो इस बात का आप ख्याल रखें। उसके बाद इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि हम स्टिच करें तो ये हिले ना। अब इसी के राउंड में हम सिलाई लगाएंगे अंदर में। तो चलिए हम इसमें सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम अंदर वाले कपड़े को कट कर लेंगे। 1/2 इंच का तो कपड़े को छोड़ते हुए फिर बाकी सारे कपड़े को हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा के इसको हम अंदर के साइड में टर्न कर लेंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड, सिलाई कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम कपड़े को ही कट करेंगे और इस तरह से कॉर्नर में हम कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से टर्न हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं सिलाई से जुड़ी डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना फिनिशिंग के साथ ये बन गया। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लिए हैं इसी ग्राउंड में। अब हम एक लंबा सा फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, और इसको हम डबल फोल्ड करते हुए इसको हम एक फीता रेडी कर लेंगे इस तरह से।
उसके बाद एक पेपर लेंगे फ्रेंड और इसके ऊपर हम यहाँ पे रखते हुए और पेन की हेल्प से इस तरह से हम निशान ले लेंगे इसका, ये देखिए ऐसे। उसके बाद इस कपड़े ये वाले जो मेरा फीता है इसको हम 4-4 इंच पे कट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम 4 फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए 4 पीसेस हो गया। अब हम इसमें इस तरह से रखेंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे तिरछा साइड से, और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से, और फिर इसके 1/2 इंच गैप छोड़ते हुए यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लेंगे। तो ये बीच में हम लगाएंगे डिजाइन को, और इसके इस तरह से इसके अपोजिट फ्रेंड इस तरह से हम इसको लगाएंगे, और इधर से भी कुछ इस तरह से ही डिजाइन बनेगा, ये देखिए। अब हम बाजू को लेंगे और यहाँ पे अच्छे से बीच सेंटर पे मिला के रखेंगे, ये देखिए, और इसको हम अच्छे से पिनअप कर लेंगे। और इसके किनारे में हम लेस को लगाएंगे फ्रेंड। तो ये डिजाइन आप कुर्ती के बाजू पे या फिर फ्रॉक के बाजू पे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। तो ये देखिए, और इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो हम इसमें लेस लगाएंगे, तो पहले हम बाजू में लगा लेंगे, किनारे में ये देखिए लगा लिए। अब हम इसी के राउंड में लेस को लगा लेंगे। तो आप अपने कपड़े के हिसाब से कोई भी लेस यूज कर सकते हैं, चौड़ी मोटी पतली जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पे लेस यूज कर रही हूँ जो कि ब्लाउज से मैचिंग है। तो ये देखिए इसी के शेप में हम इसको डबल सिलाई के साथ लेस को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। पूरे में लेस को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बाजू बन के रेडी हो गया। अब हम इसको पीछे करके पेपर को निकाल देंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। तो मेरा दोनों बाजू बन के रेडी हो गया। ऐसे ही हम एक और बाजू बना के रेडी किए हैं। और डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लाउज का जो बैक नेक बनाया है वो भी हम आपको दिखा देंगे आगे। अगर उसका वीडियो आपको चाहिए तो मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड। और बाकी ये आपको कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से बैक नेक बना है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।